नमस्कार, समाचार एकांश के खास कार्यक्रम चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हिमांशु सोनकर। पिछले दिनों इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी IPCC की ताजा रिपोर्ट ने जलवायु में हो रहे परिवर्तन से मानव जाति पर मंडरा रहे खतरे को गंभीरता से रेखांकित किया है। IPCC की ये रिपोर्ट बताती है कि अगले 12 सालों के अंदर ही औसत वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की पूरी संभावना है। रिपोर्ट बताती है कि अगर ऐसा हुआ तो इसका असर फसलों, खाद्य पदार्थों और बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापित होने के रूप में सामने आएगा। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर के तटीय इलाकों में इसका असर देखने को मिलेगा और भारत में सबसे पहले कोलकाता इसकी चपेट में आएगा। दुनिया भर के नीति निर्माताओं की प्राथमिकता में जलवायु परिवर्तन आज भी शामिल नहीं है और जब तक ये खतरा राजनीतिक मुद्दा नहीं बनेगा तब तक इस मोर्चे पर ठोस फैसले होते नहीं दिखाई देंगे। आखिर क्यों हम इस खतरे को अनदेखा करते आए हैं और इससे बचाव के लिए हम कब गंभीर होंगे, इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कुछ खास मेहमान। सबसे पहले मैं उनका परिचय आपसे कराना चाहूंगा। हमारे बीच में रहेंगे डॉक्टर भरत राज सिंह जो कि मशहूर वैज्ञानिक हैं, और साथ में रहेंगे प्रोफेसर ज्योति प्रकाश, साथ में रहेंगे वरिष्ठ पत्रकार प्रेमशंकर मिश्र जो कि अपनी विभाग टिप्पणी के लिए जाने जाते हैं। चर्चा को हम इससे पहले शुरू करें, आइए हम आपको दिखाते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। जो की चिंता सता रही है, इसी चिंता के मद्देनजर कई देशों के विशेषज्ञों ने वैज्ञानिक संदर्भों की मदद से IPCC के लिए रिपोर्ट तैयार की है। 400 पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार अगर तापमान इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो 2030 से 2052 के बीच वैश्विक तापमान में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इजाफा हो सकता है। इसके पीछे ग्रीन हाउस गैसों के मौजूदा उत्सर्जन स्तर को बड़ा कारण बताया गया है। कहा गया है कि अगर दुनिया में 2 डिग्री से ज्यादा तापमान बढ़ गया तो गंभीर संकट पैदा हो सकते हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में भी इसके भयंकर परिणाम होंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इतना तापमान महासागर का स्तर बढ़ाने और खतरनाक तूफान, बाढ़ और सूखा जैसी स्थिति लाने के लिए काफी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग के कारण गरीबी भी बढ़ेगी। लिखा है कि ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस की बजाय 1.5 डिग्री सेल्सियस तक रोकने से 2050 तक करोड़ों लोग जलवायु परिवर्तन से जुड़े खतरों और गरीबी में जाने से बच जाएंगे। तापमान की ये सीमा मक्का, धान, गेहूं समेत बाकी दूसरी फसलों में कमी को भी रोक सकती है। इस साल दिसंबर में पोलैंड में केटोवाइस जलवायु परिवर्तन पर होने वाली बैठक में इस विषय पर चर्चा की जाएगी। साथ ही दुनिया भर के देश जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए पेरिस समझौते की समीक्षा करेंगे। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने के लिए समाज के सभी पहलुओं में दूरगामी और अभूतपूर्व बदलाव की जरूरत पर बल दिया गया है। मसलन वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए साल 2035 तक करीब 2.4 लाख करोड़ डॉलर निवेश की जरूरत होगी। 6000 से अधिक वैज्ञानिक संदर्भों का उल्लेख और दुनिया भर के हजारों विशेषज्ञ समेत सरकारी समीक्षकों के योगदान से ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट तैयार की गई है। आज इसे भरत सर, आपने देखा कि रिपोर्ट में जिस तरह से 2 डिग्री सेल्सियस जलवायु परिवर्तन की बात कही गई है, ये जाहिर सी बात है एक गंभीर परिणाम अपने साथ लेकर आएगी, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं इसमें फिर से आगाह करना चाहूंगा जी कि ये जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है कहीं न कहीं हम वैश्विक तापमान में जो वृद्धि उसका मुख्य कारण है। उस वृद्धि का कारण यह है कि हम लोग अपने जो अपनी अनाप शनाप पृथ्वी का दोहन, उनके अवयवों का दोहन, हाइड्रोकार्बन जैसे कोयला है और पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सबका दोहन कर रहे हैं। दूसरा यह है कि हमारे वाहनों की संख्या बहुत बढ़ गई है। तीसरा है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो हुए हैं वो भी हमारे ख्याल से तो उसका विकास जो है एक ऑर्गेनाइज्ड वे से होना चाहिए, तो वो नहीं हुआ है। और यही स्थिति चाहे वो विकसित देश हो और चाहे विकासशील देश हो, सब अपने ऐसे अंधाधुंध दौड़ जो हो रही विकास की, उसमें लोगों ने इसको अनावश्यक रूप से इसका दोहन किया। मुख्य कारण अभी आपको हम बता दें कि अगर हम ट्रांसपोर्ट एक सेक्टर ही ले लें तो उसका 34% कंट्रीब्यूशन उसी का अलग है। इसी तरीके से 36% के करीब इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन है। दोनों को जोड़ दें
तो हमारा 70-72% इसी का, बाकी चीजें जो नित चल रहे, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे और जगह घरों से कूड़ा कचरा है, ये सब उसका ये इसके कारण है, और इन कारणों से आज परिस्थिति आज की ये नहीं है। इसकी जानकारी शायद अमेरिका में मैरियन किंग हूबर्ड जो 1956 में बता चुका है कि यूएस इज बर्निंग विद द फ्यूम्स, वो उसके आसमान में धुआं निकल रहा है, लेकिन उसको पागल डिक्लेयर कर दिया गया। चीफ जियोलॉजिस्ट था और उन्होंने सबने माना नहीं। उसने ये भी बताया था कि 40 साल बाद स्थितियां बड़ी परिवर्तित हो जाएंगी और 20 साल में आपके जितने कुएं हैं उनमें भी उनके पेट्रोलियम पाउडर में कमी आ जाएगी। और देखा गया 1975-56 में डीजल की बड़ी क्राइसिस आई जी। और ये 1995 में हमारे इसको परिवर्तन किया गया, एक्ट में परिवर्तन किया गया। तो ये 40 साल बाद एग्जैक्ट क्यों अमेरिका को ऐसी स्थिति लानी पड़ी कि उन्होंने यूरो और इन सब के उसमें एक्ट में परिवर्तन किया, क्योंकि तब तक स्थिति बहुत बदल चुकी थी। और अगर 1990 को भी हम डायटम मानते हैं, जीरो डिग्री का प्लस माइनस का करते हैं, तो ये तो 2007 में 1.58 से ज्यादा डिग्री बढ़ चुका है। आज की स्थिति 2018 की बात कर रहे हैं और हम 2015 की, हमारी तो एक किताब ऑलरेडी लिखी हुई है, इसे तीन किताब निकल चुकी है जो इटली में छपी हुई है। इस किताब में लिखा हुआ 2040 तक 1.5 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा, टेम्परेचर और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो और सेंचुरी अगर इस पर ध्यान न दिया गया तो 4 से 6 डिग्री भी हो जाएगा। तो आदमी तो अगर 1.5 डिग्री भी हो गया उसमें तो तमाम 42 करोड़ जनता वैसे ही जनसंख्या समाप्त हो जाएगी बॉइलिंग स्टेज से। ठीक है, ये स्थितियां हैं, इस स्थिति को हमें बहुत ही गंभीरता से देखना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस पर चिंतन किया। पेरिस की समिति जो 30 नवंबर 2015 से लेकर 12 दिसंबर 2015 को हुई थी, वही भारत ऐसा देश था जिन्होंने अपने से कार्बन में 2% कार्बन जो है घटाऊंगा। ठीक है, और उसको अभी हमारे यहाँ परिवर्तन दिखने लगा। ये परिवर्तन इसलिए दिखने लगा कि हम रिन्यूएबल एनर्जी पर बड़ा फोकस कर रहे हैं, इसमें सोलर और इन सब पर बड़ा। हम सर उस पे आएंगे। सर हमारे साथ ज्योति प्रकाश जी हैं। ज्योति मैडम, आप किस तरह से देखते हैं, क्या इसके सॉल्यूशंस होने चाहिए, क्या ऐसा किया जाए जो हमारा ये खतरा आ रहा है हम उसको रोका जा सके? अभी जैसा कि सर ने बोला कि ये तो जो आज जो स्थिति हमारे सामने आई है और वो हम बहुत पहले से ही देख रहे थे कि अगर हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारी है उनका अगर हमने इमिशन कंट्रोल नहीं किया तो ये सिचुएशन आनी ही आनी थी। लगातार बढ़ती हुई गाड़ियों की जो संख्या है और जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन है और एग्रीकल्चर जो हमारे लैंड्स हैं उनको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो अगर हमने इन पर कंट्रोल नहीं किया, अगर हमको सारी चीजों पर हमने ध्यान नहीं दिया तो ये चीजें आगे आने समय में बढ़ती ही चली जाएंगी और हम इस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ठीक है ब्रेम भाई, ठीक है, हाँ पूरा करिए मैडम, नहीं पूरा करिए आप। हमको इन सारी चीजों पर रोक लगाने के लिए कुछ कंट्रोल करने के लिए, हम ये नहीं कहते कि हम इसको पूरी तरीके से कंट्रोल कर लेंगे, पर कुछ हद तक इसको कम किया जा सकता है। जैसे कि हम गाड़ियों का नंबर कम कर दें, हम रिन्यूएबल एनर्जी पर ज्यादा फोकस करें, हम बायोफ्यूल जो हमारे हैं उनको हम ज्यादा उसका प्रोडक्शन करें, हमारी जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं उनको ज्यादा लॉन्च करें। तो जब हम इन सब सारी चीजों पर ध्यान देंगे तो कुछ हद तक इस प्रॉब्लम से हम कम कर पाएंगे। हो सकता है। प्रेम भाई एक चीज ये समझना चाहेंगे, जो पेरिस सम्मेलन था जलवायु परिवर्तन को लेकर के, उसमें ये कहा गया था कि हम इसको करेंगे, जैसे कि प्रधान भरत सर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2% तक बात कही थी। अगर हम ओवरऑल देखें तो उसके बाद अमेरिका उससे बाहर हो गया, उसको मानने को तैयार नहीं, तो क्या सारे फाउंडेशंस सिर्फ विकासशील देशों के लिए ही हैं कि वो अपने यहाँ रोकें और हम अपने यहाँ करते रहें? देखिए ऐसा है कि जो भारत की परंपरा है जी वो हमें बहुत हद तक आत्मसंतोष सिखाते हैं, तो हम बहुत तेजी से जिम्मेदारियां लेते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ने की ओर कदम बढ़ाते हैं। लेकिन ये जो पूरी क्लाइमेट चेंज की बहस है ये पर उपदेश कुशल बहुतेरे जैसे है। जो पेरिस समिट हुई थी उस दौरान जो वैज्ञानिकों का अनुमान था वो ये था कि अगर दुनिया का तापमान 2% तक बढ़ता है तो उसे सहन करने की स्थिति बनेगी, अगर 2% से अधिक बढ़ता है तो समस्या गंभीर होगी। लेकिन जो अभी हालिया रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि 1.5% से अधिक का तापमान हम सस्टेन नहीं कर सकते। निश्चित तौर पे दुनिया में आबादी के
मामले में दूसरे नंबर पर होने के नाते जी विकासशील से विकास विकसित देश होने के रास्ता तय करने के संघर्ष करने के नाते और संधृत विकास से अपना सनातन संबंध होने के नाते, क्योंकि आपकी जो सभ्यता है उस बहुत पहले से पर्यावरण संरक्षण या उसकी बात करती है, तो भारत की चिंता स्वाभाविक है। लेकिन भारत जैसे कुछ एक विकासशील देशों की चिंता करने से या प्रयासों से इसका समाधान नहीं निकलने वाला है। सबसे इसमें आश्चर्यजनक बात यह है कि जो इसके सबसे बड़े दोषी हैं, उनकी अपेक्षा यह है कि जो इसके विक्टिम हैं, उनसे ही अपेक्षा है कि वही इसका सुधार करें और उस पर काम करें। जो कार्बन उत्सर्जन है, दुनिया में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश अमेरिका है, दूसरे नंबर पे कनाडा है, तीसरे नंबर पे रूस है, चौथे नंबर पे जापान है, पांचवें नंबर पे जर्मनी है, छठवें नंबर पे चीन है, भारत का नंबर 11वां आता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो दुनिया के विकसित देश हैं, सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन कर रहे हैं, उन्होंने जो जीवाश्म आधारित ईंधन थे उनका पूरा उपयोग करके, उनका पूरा दोहन करके अपने विकास के पायदान तय किए। अब जब विकासशील देश विकास की मुख्य धारा में आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए तमाम बंदिशें हैं, तमाम उपदेश हैं। देखिए, निश्चित तौर पर स्वच्छ ऊर्जा की ओर, क्लीन एनर्जी की ओर बढ़ना चाहिए, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इलेक्ट्रिक वाहनों में शिफ्ट होना एक अच्छी पहल है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। टेक्नोलॉजी महंगी है। आप अभी भी हमारी बुनियादी जरूरतों के लिए, अभी भी उत्तर प्रदेश जैसे तमाम प्रदेशों में अभी भी हम प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लोगों को एक सामान्य छत मुहैया कराने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में ऊर्जा हमारी आवश्यकता है, क्लीन एनर्जी महंगी है। आज भी जो हमारी ऊर्जा है उसका 79% हिस्सा जो है कोल एनर्जी से आता है, तो ये एक बड़ा संकट है। तो विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन स्थापित करने की जो संधृत विकास की अवधारणा है उसकी ओर बढ़ना चाहिए। भारत उस दिशा में प्रयास कर भी रहा है, लेकिन यह है कि समवेत इसमें योगदान सबका होगा। अब पोलैंड समिट आ रही है, उसके पहले एक पूरी दबाव बनाने की एक पूरी की पूरी एक रणनीति है कि इस बहस को एक बार पुनः विकासशील देशों की ओर मोड़ा जा सके। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल समिट से सारा नुकसान विकासशील देशों का है, विकसित देशों में कई बड़े शहर नेस्तनाबूद हो जाएंगे। वो क्या प्रयास कर रहे हैं? दूसरा, कंपनसेट कौन करेगा? अगर आपने प्रकृति के साथ इतना नुकसान किया है, विकासशील देशों के हितों के कीमत पर किया है, तो आप कंपनसेट करिए, बड़े भाई की तरह सहयोग करिए, आगे बढ़िए, आप टेक्नोलॉजी दीजिए, तब जाकर ये लड़ाई आगे बढ़ सके। भरत जी, जिस तरह से प्रेम भाई कह रहे हैं कि विकसित देश जो भी हैं वो जबरदस्ती एक तरह से कहा कि थोपने का प्रयास है ये, खासकर विकासशील देशों के लिए, कुछ आंकड़े मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, पूरी आबादी अगर पूरे विश्व की देख ले तो इस समय 700 करोड़ से ऊपर है, जिसमें 33 से 34 करोड़ आबादी अमेरिका की, और वो आपके पूरे विश्व का 34% ईंधन उपयोग कर रहा है। ठीक है, एनर्जी जो है 34%। अगर हम प्रति व्यक्ति, जैसा अभी हमारे प्रेम शंकर जी ने बताया, उसके बाद कहीं नंबर अब हमारा तीसरे पर पहुंचने वाला, चौथा था, तीसरे पर पहुंच रहा है, तो हमें चिंता इस बात की होनी चाहिए कि कार्बन किस कंट्री से ज्यादा निकल रहा है, क्योंकि वहां तो जो व्यक्ति चाहे संख्या ज्यादा होगी तो प्रति व्यक्ति नहीं है, वहां तो वहां की महामारी तो उसी से चालू हो जाएगी। तो इस आंकड़ों पर अगर हम देखें तो पहल किसकी होनी चाहिए, जैसा आपने बताया शंकर जी ने, पहल उनकी होनी चाहिए जो हमारे विकसित देश हैं, उनको कंट्रोल, वो तो सारी सुख सुविधाएं उपयोग कर रहे हैं, अगर उनमें थोड़ी सी कटौती नहीं करेंगे तो ये कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आज चाहे हमें आज अभी देखे मंडे को ही, 8 तारीख को ही साउथ कोरिया में बैठक हुई, IPCC ने इस पर जिक्र कर दिया, फिर चर्चाएं चारों तरफ चालू। ये नई बात नहीं है, मेरा कहना ये कोई नई बात नहीं कि 1.5 डिग्री से 2 डिग्री टेम्परेचर 2040 में, आप ये 50 करें, मैं तो 40 में लिखा हूं, 40 तक की ये स्थिति पैदा हो जाएगी इन कंडीशंस में। तो अगर हमें, जैसा मैडम ज्योति ने कहा, हमें प्रयास करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, हमें ग्रीन एनर्जी को किसी न किसी तरीके से, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनको खत्म करने के लिए कहीं न ग्रीन एनर्जी का उपयोग करना पड़े। लेकिन ये जैसा कहा जा रहा है कि हम इलेक्ट्रिक वाहन, हम उसके समर्थन में नहीं है, हमें इसलिए कि अगर उसका कचरा भी, इलेक्ट्रॉनिक कचरा, बैटरी का कचरा देखा जाए तो ये आने वाला नया एक हम रूप देने वाले हैं, बड़ी समस्या ये होने वाली है,
तो इसको अभी तकनीकी परिवर्तन की जरूरत है, बहुत सी चीजें उस पर विचार करने की बात है। वायु है, देखिए हम तो क्षितिज जल पावक गगन समीर पांच तत्व से जीव की है, पांचों को हम देवता मानते रहे और अभी भी पेड़ पौधों की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं, सारी चीजें होती हैं हमारे यहाँ। तो नेचर पर प्रकृति को बहुत ही सम्मानजनक स्थिति में रखा जाए, पेड़ नहीं काटना चाहिए, नहीं कर, तो हमें इस पर ध्यान देना है कि किस जगह हम क्या चीज कर सकते हैं। आज कार्बन सिक्योरिटेशन, कार्बन कैसे कम किया जाए, इस पर हम एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण दे रहे हैं। वरिष्ठ वैज्ञानिक होने के कारण ये समस्या इतनी बड़ी नहीं है, समुद्र में और सब जगह ले जाके कार्बन इकट्ठा करके डाल दे, क्यों नहीं। अगर विकासशील देश है, हाईवेज बन रहे हैं दोनों किनारे, थ्री रो में हमने एक प्रोजेक्ट मोदी जी को भेजा है, तीन रो कर दे, पेड़ आपस में मिलते हैं, पेड़ तो एकदम से आपस में मिलते हैं, होता है और वो सारे हाईवे से आपके कार्बन तो वही निकल रहा है, जहां गाड़ियां जाएंगी वहां निकलेगा, वहीं तो एग्जिट गैसेस आपके ग्रीन हाउस गैसेस वहीं से पैदा होंगी। उनको अगर हम सिक्रेट करके वहां पर ऑक्सीजन निकाल दें, पानी निकाल दें, पानी से हरे भरे पौधे हो जाएंगे, सारी चीजें हो सकती। व्यवस्था करने की बात, चिंतन की बात है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने की बात है, जिसमें सक्रिय योगदान हमारे प्रधानमंत्री जी का चल रहा है। और ये आने वाला देश, आने वाला समय, इस देश को ही लोग पहचानेंगे, इसी देश की भाषा समझेंगे, इसी देश को समझने की कोशिश करके इसको अपनाएंगे। अमेरिका की बात, अमेरिका पेरिस में एक साल उन्होंने बिल्कुल इसको त्याग दिया, सारे कंट्रीज ने जब इसको माना तो उन्होंने भी धीरे से कह दिया कहाँ ठीक है, ऐसा नहीं है पेरिस समिट को उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया, वो लेकिन वो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको। आज अब हम अमेरिका की छोटी सी बात बता दें, ठीक है, सबसे बड़ा चिंतन किसकी जरूरत है, सारे तूफान जितनी है यूएन कंट्रीज में है, कनाडा है, यूएस है, आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है, सारी जगह देख तो रहे, अब वहां बर्फबारी हो जाती है, इतनी ज्यादा घमासान बारिश आ जाती है, तूफान आ जाते हैं, पूरे पूरे घर साफ हो जा रहे हैं, तो लोग ही, हम भी उसी कंडीशन में, हम भी ज्यादा पैदा कर रहे हैं, चाइना भी यही कर रहा है, तो वो तो भौगोलिक परिवर्तन अपने आप पैदा होगा, जहां इस तरीके की हम ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करें, गर्मी होगी, एक ऊपर 40-50 मीटर पर जा करके ऐसा क्लाउड बन चुका है ये ग्रीन हाउस गैसेस का, जो हमारे लिए भयंकर खतरनाक है, जो कि आज की स्थिति में जब आप कहते हैं कि पैडी कट रही, पैडी वैडी कटने का इतना इफेक्ट नहीं है, वो तो जब जाड़ा सेटल होता है धीरे धीरे वो नीचे आ जाता है, वही स्मोक नीचे आ जाता है जिसके कारण सांस नहीं ले पा रहे, ठीक है। तो हमें जरूरत इस समय ये है कि इनको कौन कौन से फैक्टर, जन जागृत पहले तो करनी चाहिए कि सारे जगह चेतना होने, हम बेसिक एजुकेशन से इसकी पढ़ाई करनी चाहिए और लोगों में जहां संभव है जितने पेड़ हो सकते हैं उसको लगाने की जरूरत है। ये रिन्यूएबल एनर्जी जितनी हो सकती है उसको उपयोग करें। आपको ताजुब होगा, मैं इस पर एक कैलकुलेशन करके, मैंने तो जिसमें पेपर छपा हुआ है, 4000 मेगावाट आप केवल सोलर के घरों से पैदा कर सकते, 4000 मेगावाट, अगर एवरेज दो, क्योंकि 43 करोड़ ये लाख आबादी है लखनऊ के आसपास, और 4 का परिवार ले तो 12-13 लाख तो आपके घर है, 2 भी जोड़ते हैं तो आपके 2500-3000 तो मेगावाट ऐसे ही निकल आ रहा, और उससे ज्यादा ये सब चीजें की जरूरत है। ऐसे ही एक प्रोजेक्ट है सीतापुर में जी, जो एक व्यक्ति ने अपने सोलर के जरिए पूरे गांव को वो रोशन करने का प्रयास कर रहा है। सर मैं समय रुकूंगा, मैं ज्योति जी के पास आपके पास आऊंगा फिर। ज्योति जी, जैसे कि पहले आप कह रहे थे कि सोलर एनर्जी और बायोफ्यूल और खासकर अभी जो CSIR और IIE है, IIP इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के वैज्ञानिकों ने एक प्रयास शुरू किया है प्लास्टिक से फ्यूल बनाने का, तो क्या लगता है कि हम इस दिशा में कब तक पहुंच पाएंगे? जैसे कि प्रेम कह रहे थे कि हम अभी पुरानी चीजों से ही जूझ रहे हैं और ये तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या ये सॉल्यूशन बन सकता है? बेशक, जो आपने कहा कि हम पॉलीथीन से या जो हम इन सब चीजों से बायोफ्यूल से हम एनर्जी प्रोड्यूस करें और उस एनर्जी को हम ही यूज करें, बजाय कि हम अपनी जो हमारे कोल है या फॉसिल फ्यूल है उसके बजाय उसको हम ना यूज करके कम करके हम इनके ऊपर स्विच ओवर कर जाएं। देखिए, बेशक इस पे प्रयास चल भी रहा है, बैंगलोर है और ऐसे बहुत सारे शहर हैं जहां पे इन पे काम काफी हद तक किया जा रहा है इसके ऊपर,
तो ये उम्मीद की जा सकती है कि हाँ हम इस पे जो काम कर रहे हैं काफी सक्सेसफुल होगा। पर एक चीज हम आपको और भी बताना चाहेंगे कि जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है हम काम करने के प्रयास करते हैं, सरकार नई नई नीतियां बनाती है और कहती है हम इस पर काम करेंगे, तो बातें सिर्फ वहीं तक खत्म नहीं हो जानी चाहिए। जब वो बातें आती हैं कि हाँ हमें इसका इस पर काम करना है, तो इस बात पर, इस बात को लेकर जो इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष को भी ध्यान देना चाहिए कि हाँ जो इस सामने चीजें आ रही हैं इस पर हमको काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सरकार ने कह दिया है कि सरकार ये करेगी तो हम सारी चीजें सरकार के ऊपर करके छोड़ देते हैं, तो हमें उस पर अपने खुद के भी प्रयास करने चाहिए। व्यक्तिगत लोगों को इसमें आगे बढ़ना होगा तभी इस समस्या का समाधान हो सकता है। भरत सर, मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगा, जैसे आपने सोलर एनर्जी की बात करी, सोलर एनर्जी में अगर हम देखें कि जो प्लेट्स होती हैं उसकी भी एक तय मियाद है लगभग 25 साल के आसपास, तो जैसा कि आपने पहले भी कहा है, ये एक चाइना में हम देखें वहां पे बहुत ज्यादा सोलर एनर्जी का प्रयोग हो रहा है, मलेशिया में भी हो रहा है, हम भी इसको शुरू कर रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो ये एक, जैसा कि आपने पहले कहा कि एक बड़ी समस्या बन के उभरेगी, क्या नहीं लगता है कि ठीक है हमने एक प्रयास तो किए, कोशिश भी की फिर, लेकिन वो टाइमिंग रही, लेकिन अच्छा, एक बड़ी समस्या को हम और जन्म दे रहे हैं। मैं इसमें हिमांशु जी आपको ये बताना चाहूंगा, ये इनोवेशन सतत प्रयास है, एक दिन ठीक नहीं चलता या जो हो गया उसी को नहीं अपनाते हैं, ये सतत प्रयास है। आज हम सोलर पैनल की बात कर रहे हैं, कल को सोलर पेंट की बात करेंगे, और ये ऑलरेडी कई जगह है, इस पर रिसर्च चल रही है, कनाडा में भी चल रही है, यूएस में चल रही है, जर्मनी में चल रही है, और ये प्रयास हो सकता है हम घरों में पेंट लगा दें और सोलर एनर्जी पैदा हो जाए। अच्छा, ऐसे भी है, तो ये आप इसको हाइपोथेसिस न मानिए, ये ऑलरेडी काफी आगे बढ़ चुका है। ठीक है, तो आज का जो है हम 25-26 साल का अगर हम प्लेट लेकर के कोई चीज करें तो वही प्लेट उसका स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ेगा, उस प्लेट को हम हटा करके कुछ उस पर नए चीज लगा देंगे। हाँ। तो ये हमारे वेस्टेज उसमें अगर हम 25 साल रखें तो परसेंटेज ऑफ वेस्टेज बहुत कम होगा, और ये तो हमारे नेचर ने ऑलरेडी, हम तो इंडिया जैसी जगह में बैठे हुए हैं जहाँ की 365 दिन में 300 दिन तो हमारे सूरज की रोशनी मिलती ही मिलती है। जी। हम तो आपको बताएं करके कहा 1,00,000 मेगावाट हमें सोलर से करना, 75,000 मेगावाट जो है अदर रिन्यूएबल एनर्जी, विंड है और बायो है और सारी चीजें उसका, उसमें काफी आगे बढ़ चुके हैं, जिसके लिए उनको अभी अर्थ चैंपियन अवार्ड मिल चुका है। जी, जी। ये प्रयास हमारे लिए बड़ा सराहनीय है, इसी उत्सुकता से हमारे वैज्ञानिकों को सपोर्ट होना चाहिए और वो आगे बढ़े। हम पहले व्यक्ति हैं इस आपके यूपी में जो कि सोलर पावर का रूफ टॉप हमने लगवाया है, आपको ये बता दिए, हर एक को ये प्रेरणा से लोगों को जागृत करना पड़ेगा, बस मेरा ठीक है। ठीक है प्रेम भाई, एक चीज ये समझना चाहूंगा कि जैसे कि हमने भी शुरू में अपने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की शायद कमी है, और डॉक्टर साहब ने भी कहा कि जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें राजनीतिक इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्या इसको कम करने की जरूरत है या यही नहीं? देखिए ये बहुत स्वाभाविक है जी, जब आप एक बड़े लोकतांत्रिक देश में जहां पे जनता की इच्छा पर सरकारें चुनी जाती हैं तो सरकारों पर एक तरह से तुष्टिकरण का दबाव रहता है। जब मैं यहां तुष्टिकरण की बात कर रहा हूं, आप देखिए कि बहुत सी ऐसी सुविधाएं, जब मैंने पहले भी जिसको रेखांकित किया था कि आज भी आप तमाम बुनियादी सुविधाओं की लड़ाई लड़ रहे हैं, जब आप पूरी तरह से इसको स्विच करने की बात करते हैं तो इसके फायदे हैं, इसके अपने जोखिम भी हैं। जोखिम यह है कि ये जो सुधार की प्रक्रिया है ये दीर्घकालीन प्रक्रिया है, और दीर्घकालीन प्रक्रिया के चलते कुछ कठिनाइयां भी उठानी पड़ती हैं। होता क्या है कि अल्पकालिक प्रक्रियाओं पे चुनाव तय हो जाते हैं, सरकारें बनती बिगड़ती हैं, तो बहुत बार बड़े राजनीतिक दल इस पर निर्णय लेने से बचते हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण यह भी बिंदु है कि आज भी सार्वजनिक जीवन में हर व्यक्ति के लिए या आमतौर पर अधिकतम व्यक्तियों के लिए पर्यावरण कोई मुद्दा नहीं है। जब ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, हम इसके परिणाम चाहे वो बीमारी के रूप में है, चाहे वो कृषि के रूप में है, चाहे हमारी जीवनचर्या के रूप में आने वाले जो विभिन्न परिणाम हैं उस पे जो उसके दुष्परिणाम है उसको हम सीधे तौर पर नहीं समझ पाते, और जब तक हम उसको समझते हैं, जब तक उसको भोगते हैं, बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसलिए जब सामूहिक तौर पर कोई बड़ा कलेक्टिव दुष्परिणाम नहीं दिखता है तो इसलिए हम नहीं समझ पाते हैं कि हम किस स्थिति से गुजर रहे हैं।
लेकिन एक वैश्विक बहस शुरू हुई है, इसकी चिंताएं सामने आने लगी हैं, तो उस दिशा में पहल होने लगी है। आपका इस देश में भी, भारत में भी, जब स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं आप, बायोफ्यूल की ओर बढ़ रहे हैं आप, अक्षय ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों पर कार्य कर रहे हैं। अभी प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से बहुत से लोगों ने संपर्क किया, लोगों ने अपने आप को जोड़ा, अकेले जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो शौचालय बने उससे संक्रामक बीमारियों की संख्या में कमी आई। दरअसल क्या है कि सीधा प्रभाव हम महसूस नहीं कर पाते, अकेले केवल वायु प्रदूषण के होने वाले प्रभावों से जो है पूरी इकोनॉमी पे करीब 3 लाख करोड़ की चपेट आती है, जो अकेले उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बजट के बराबर है। तो हम इसकी मॉनिटरी वैल्यू नाप नहीं पाते, इसलिए इसकी गंभीरता नहीं समझ पाते। अभी अच्छी बात है कि लोग जागरूक होकर रहे हैं, इस बहस में भाग ले रहे हैं, और जो नई पीढ़ी है वो इन चिंताओं को लेकर कहीं ना कहीं सक्रिय हो रही है। तो आज नहीं तो कल एक राजनीतिक विषय भी बनेगा और हम लोगों को बेहतर परिणाम मिलेगा अपेक्षा करनी चाहिए। ठीक ठीक, हमारे पास समय की बहुत कमी है सर। भरत सर, मैं आपसे फाइनल कंक्लूजन जानना चाहूंगा और हम दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जिससे कि हम पर्यावरण के प्रति ज्यादा सचेत हो सके। मैं यही कहना चाहूंगा, धरती जो है हमारा, जिसे हमारे पूर्वजों ने भी और हमारे वैदिक पीरियड में भी माता का रूप दिया है, सारी चीजें जननी है, सब कुछ हमें मुहैया कराती है, उसका दोहन पर कंट्रोल दिया जाए। ठीक है, और हमें नए नए नित्य प्रयास करने चाहिए कि चीजें आपके, हम आपको बताएं कि सारी चीजें लिखी हुई है जो अभी पेरिस समिति और ये सब कही जाए, लेकिन एक जन आंदोलन जलवायु परिवर्तन के प्रति खड़ा करने की जरूरत है। ठीक, और बच्चों से लेकर के इसको जन आंदोलन के रूप में आगे बढ़ाएं, ताकि चिंतन वही, उन्हीं का भविष्य है। हाँ। उन्हीं का भविष्य अंधकार में होने जा रहा है, हम लोगों को बहुत कुछ गेन कर चुके। प्रोफेसर ज्योति प्रकाश जी, फाइनल कंक्लूजन। सर, मेरा मानना यह है कि जो जलवायु परिवर्तन है और इस पर हम लोगों को ठोस कदम उठाने ही होंगे, क्योंकि जब ये कोई रिपोर्ट आनी होती है उसके पहले हम लोग उस पर चर्चा शुरू करते हैं, और अगर इस चर्चा को या जो भी पॉलिसीज हम बनाते हैं, जो भी हम पहल करते हैं, अगर इसको हम कंटिन्यू करें और इस पर, तो काफी हद तक इस पर हमारा कंट्रोल हो सकता है। बिल्कुल, ये एक समन्वित प्रयास की जरूरत है इसके लिए, और ये अच्छी बात है कि अब जो पॉलिसी ओरिएंटेशन है आप उनकी दिशा भी वही है, उसमें तमाम पर्यावरण को लेकर चेक एंड बैलेंस लगाए जा रहे हैं। बस जरूरत उसके क्रियान्वयन की है, क्योंकि क्रियान्वयन के स्तर पर भी बहुत कुछ होना बाकी है। ठीक है, चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हिस्सा लेने के लिए। तो फिलहाल दर्शकों, चर्चा में फिलहाल आज इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।